आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। जिस समय देश के प्रधानमंत्री मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय अररिया में असामाजिक तत्व द्वारा पोखर में जहर डालकर सैकड़ों मछलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रधानमंत्री ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत देश भर के किसानों के लिए मछली पालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। लेकिन ठीक उसी समय अररिया पनारपुल के पास दो पोखरों में असामाजिक तत्वों के द्वारा पॉइजन डालकर सैकड़ों मछलियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि मछली को चारा देने गए युवक के साथ मारपीट की गई और उसे बंधक बना लिया गया, जिसके बाद मछली पालक के द्वारा इस मामले की सूचना अररिया नगर थाना को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक बनाए हुए युवक को उन लोगों के कब्जे से छुड़ाया और नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पोखर मेरा है और इसमें मछली फिलहाल 5-7 दिन पहले डाला गया था। मछली 40 रुपये का मछली 20 लाके हम लोग छोड़े थे इसमें। तो आज सुबह की बात है, मेरा भाई दाना डालने के लिए आया इस पोखर में, तो देखा 2-4 आदमी मतलब पानी से मछली निकाल रहा था। वही निकाल रहा था जो दवा डाला था पानी में, उससे पुरानी दुश्मनी भी थी उसको शायद उसी समय टर में। तो मेरा भाई को मारा भी और लेके घर पे चला गया, वो बांध के रखा था घर पे। तो सुबह अररिया थाना प्रशासन को लेके हम लोग गए 10-11 बजे, तो भाई को छोड़ा के लाए हैं और अभी इस वक्त 3:30 बज रहा है, जो अभी 2-4 मछली मेरे हाथ में है। ये हमारी पोखर है, इस पोखर को पूरा दवाई देकर नष्ट कर दिया गया है। सारी मछली मर गया है, जो मतलब और थोड़ा मछली जो भी था वो मरने समय जो मरा उस समय तो सब चुन चुन के बच्चा लेकर चला गया। वो सवेरे जो है दाना डालने के लिए पोखर में आया था, तो यहाँ देखा कि 5-7 आदमी जो है कि मछली मार रहा है। तो वो कहा है भाई, कहे मछली मार रहे हो? तो वो कहा है कि नहीं मारेंगे। तो वो जब उससे जो है कि रोकने के लिए गया तो जो है कि मारपीट हो गया और मारते हुए उसको घर पे अपना लेते गया और बांध करके रखा और कहा कि हम यहाँ ना मछली पालने के लिए देंगे, कुछ करने के लिए नहीं देंगे, मतलब कुछ करने के लिए नहीं देंगे। इस तरह से कहने के बाद जो है कि हम लोगों को जब पता चला, हम लोग आए तो जो है कि वहाँ पे गए तो बोला नहीं नहीं छोड़ेंगे। फिर जो है कि प्रशासन के पास गए अररिया थाना, तो थाना में जो है कि वहाँ पे आवेदन दिए, उसके बाद जो है कि वहाँ से जो है कि प्रशासन के साथ आए, तब जो है कि वहाँ से उसको लेकर के आए उसके घर पर से जो लोग मछली मार रहा था। तो इसमें पॉइजन क्यों डाल दिया गया? पॉइजन जो है कि अब मछली मारने का नियत से डाला होगा, या जो है कि कोई उसको जो है कि अंदर से दुश्मनी होगा, या वो लोग ये सोचता है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही रहें और कोई यहाँ पे कुछ नहीं करे, क्योंकि यहाँ हम लोगों का पोखर देख रेख में जो है कि जमीन का भी देख रेख होता है और भी हमारा जमीन है सब, जो है कि मतलब माल जाल चराने में उन लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए वो लोग दुश्मनी के साथ जो है इस तरह से करता है। इससे पहले भी जो है कि वो लोग एक बार मछली को नष्ट कर चुका है पॉइजन डाल करके, लेकिन उस बार FIR नहीं किए थे, नहीं हुआ था। लेकिन फिर इस बार जो है तो रात में भी चोरी करता है, फिर पॉइजन डाल करके भी मछली को मारता है, मतलब पूरा इस तरह से बर्बाद किया है कि हम नहीं कह सकते हैं। करीब करीब मतलब आज 2 साल के अंदर में मेरा कम से कम 7-8 लाख का जो है कि नुकसान किया है ये लोग। इस बार 40,000 का मछली जो है कि डाले थे, जो कि 1 किलो में लगभग 150 पीस जो है कि मछली जो है कि चढ़ा था, और वो मछली इस पोखर में लगभग जो है कि 35 किलो डाले थे, लेकिन अभी एक भी मछली नजर नहीं आ रहा है, एक भी मछली नहीं है। और उस बगल वाला पोखर में जो है उसमें 50 kg मछली डाले थे, उसमें भी जो है कि मतलब सब मछली मार करके ले गया और जो है कि दवाई भी डाल दिया, पूरी तरह से पूरे साल का मेहनत मेरा बर्बाद कर दिया।